Hey friends, how are you all? A warm welcome to your favorite channel, Hanvika's Creative Gallery. गुड मॉर्निंग. आज बज चुके हैं सुबह के 6:40. आपको दिखाते हैं. और मैं आज सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरी बेटी का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है. फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, तो मैं यहाँ नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ. जाके जल्दी से पूजा कर लूँ. इसे पूजा फॉर माय बेटी एंड फॉर एवरीवन, फॉर हेल्दी लाइफ. और फिर अपनी बेटी को उठाएंगे. उसके पहले प्रिपरेशन करनी है थोड़ी सी टिफिन लेने के लिए कि बेटी क्या लेके जाएगी. चलिए देखते हैं पहले पूजा. फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, भगवान जी की पूजा कर रहे हैं. और इसके पहले जो आपको बेल की आवाज़ सुनाई दी, वो मम्मी आंगन में पूजा कर रही थी. देखते हैं घर के और लोग क्या कर रहे हैं. मम्मी भी उठ रही है शायद. देखते हैं वो क्या कर रही है. वो भी शायद पूजा करने जा रही है. तो चलिए चलते हैं. सोचिए मैं आज क्या बनाऊँ. फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल है, कुछ अच्छा होना चाहिए. कुछ नमकीन भी, मीठा भी, एवरीथिंग यूनिट एंजॉय कर सके. तो आज कुछ बनाते चिल्ला. ऊपर से कैप्सिकम अनियन डाल के. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैं अब जा रही हूँ थोड़ा सा मूंग का चिल्ला. तो मूंग के चिल्ले के लिए मैं जा रही हूँ थोड़ा सा वॉश करने. मूंग मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैं मूंग का चिल्ला बनाने के लिए अब रेडी करने जा रही हूँ. थोड़ी सी मूंग की दाल बनने के लिए और उसको मैं पहले पानी से अच्छे से धुल लूँगी और फिर उसको 10 to 15 to 20 minutes तक सो करने के लिए. तब तक मैं उसको उठाऊँगी और उसको ब्रश अप कराऊँगी. इतने में तो हो जाएगा. और ये मेरा मूंग का दाल धुल चुका है और अब सोख करने के लिए रखते हैं. मम्मी क्या कर रही है यहाँ पे. फ्रेंड्स, जल्दी से देखिए घड़ी में कितने बज चुके हैं. मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही हैं. ओ, भगवान जी को नहला रही हैं और उनके कपड़े चेंज कर रही हैं और फिर मम्मी घर के अंदर की आरती करेंगी. तो देखा आप लोगों ने कि फ्रेंड्स बज चुके हैं सुबह के 7 और अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को उठाने. तो ये बोले हेलो. देखा फ्रेंड्स, ये कितनी एक्साइटेड है टू गो टू स्कूल. एक बार के उठाने में उठ गई. वैसे तो बहुत ही नाटक होता है. और मैंने इसको यहाँ पे मिल्क दे दिया, चॉकलेट मिल्क फॉर रिफ्रेशिंग अ मूड. और मैं तब तक जल्दी से चीला को पीस लेती हूँ. मतलब मूंग की दाल को पीस लेती हूँ और उसका चीला बनाने के लिए थोड़ा सा कुछ प्रिपरेशन कर लेती हूँ. लाइक अनियन कट कर लेती हूँ, कैप्सिकम कट कर लेती हूँ और कोरिएंडर लीफ कट कर लेती हूँ. और इसी में मेरा टाइम निकल जाएगा. जब तक मिल्क फिनिश होगा तब तक मेरी ये सारी प्रिपरेशंस हो जाएंगी. और शुरू करते हैं एक स्माइलिंग फेस के साथ अपना चीला बनाना. मैंने बैटर को अपने पैन में फैला लिया है और धीमे धीमे इसको ऐसे देखिए इतने प्यार से फैला रहे हैं. बेटी के लिए प्यार है ये. और फिर अब हम इसमें डालेंगे अनियन, कैप्सिकम, कोरिएंडर लीफ और थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डालेंगे. और इन सब के साथ ही में आंच में पकाएंगे अपने चीले को. और चीला थोड़ी देर में बस रेडी हो जाएगा. भूख लगने लगी. ये बोले पीछे से मामा जी की, चलो हरी अप फॉर द स्कूल. और इसी के साथ मेरा चीला इज़ रेडी. अब चलते हैं टिफ़िन में पैक करते हैं. तो मैंने इस पिज़्ज़ा कटर से एक बड़े चीला को जल्दी से हाफ ऑफ कर दिया है और इसे हम जल्दी से अल्मोनियम फॉइल में पैक कर देते हैं ताकि ये स्कूल में बहुत सॉफ्ट बना रहे, ठंडा ना रहे, ताकि बेबी को खाने में प्रॉब्लम भी ना हो. और ये अब हम इसको अल्मोनियम फॉइल में पैक कर चुके हैं और रख दिए टिफ़िन के अंदर. वाओ, लड्डू, घर के बने लड्डू. वाओ, ये लड्डू मम्मी ने बनाया है अपने हाथों से और एक चला गया टिफ़िन के अंदर. फ्रेंड्स, आज फर्स्ट डे है तो बच्चों के लंच बॉक्स में 2-3 वैरायटी होनी चाहिए ताकि वो स्कूल में अनकंफर्टेबल फील ना करे कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना. मतलब कोई भी चीज़ एक चीज़ वो खा ले और उनका पेट भर जाए. इसलिए आज मैंने लंच बॉक्स में ग्रेप्स भी पैक कर दिया है. साथ में दूसरे बड़े लंच बॉक्स में मैंने एक चीला, मूंग का चीला, दैट इज़ वेरी हेल्दी, और एक लड्डू भी पैक किया. और अब चलते हैं जल्दी से इसको वाटर बॉटल फिलअप करते हैं बिकॉज टाइम इज़ रनिंग वेरी फास्ट, सो फास्ट कि अभी उसे रेडी भी करना है. फिर कुछ खाने को दूंगी ताकि वो एम्प्टी स्टमक ना जाए और अपने स्कूल में फर्स्ट डे एंजॉय कर सके. वाह, कितना प्यारा आंगन लग रहा है. कुछ पेड़ हैं, खपड़ैल है, एकदम पुराने जैसा. तो फिर किसी दिन आपको सैर कराएंगे अपने आंगन की. और यहाँ पे मेरा लंच बॉक्स प्रिपेयर हो चुका है और पापा जी पढ़ रहे न्यूज़पेपर. जल्दी से मैं उसकी बुक्स कलेक्ट करके रख देती हूँ और उसको रेडी करके फटाक से लेके आती हूँ.
And here we go. She is ready and present with the beautiful message on her top. Dear Earth, I love you. और भागी मंदिर में पूजा करने के लिए. और ये रही उसकी छोटी सी पूजा भगवान जी को फूल अर्पण करते हुए और बेल बजाते हुए वो अपनी दिन की शुरुआत करेगी. She is so happy to do all this and make a new good start. अपने छोटू भैया को खूब सारा प्यार करके जा रही है और look at his smile, कितना खुश है भैया. पर उसकी सिस्टर कह रही है कि आई एम गोइंग टू मिस माई ब्रदर, बाय बाय, मैं जल्दी से स्कूल से आऊँगी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ भैया. एंड दिस वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट. कोई बात नहीं. और फ्रेंड्स यहाँ पे है सारी चीज़ें जो आज हनविका अपने स्कूल लेके जाएगी. एक बैग है, ये बुक्स हैं, 2 बुक्स लेके जाएगी, और ये है पेंसिल बॉक्स, साइड में है लंच बॉक्स, 2 हैंकी, 1 बिग एंड 1 स्मॉल, और रहा एक वाटर बॉटल भी साथ में. और अब ये क्या कर रही है, अपनी सारी बुक्स बैग्स भी लगा रही है. अभी भी थोड़े से टाइम बचे हुए. सो आई हैव सजेस्टेड हर टू पैक हर बैग. आई एम देयर टू हेल्प. मैं पूरा उसका बैग पैक नहीं कर रही हूँ एंड आई एम आस्किंग हर टू डू द थिंग्स. आई एम जस्ट हेल्पिंग ताकि शी कैन डू दिस थिंग्स डेली, उसकी डेली रूटीन में आ जाए एंड थिंग्स बिकम ईजी फॉर मी एज वेल एज फॉर हर. वो सीख सकेगी और उससे पता चलेगा मुझे क्या रखना है क्या नहीं रखना, वॉट आई एम मिसिंग एंड वॉट एल्स आई हैव टू टेक इट. एंड इफ दिस विल बिकम इन डेली रूटीन दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प बोथ मदर एंड डॉटर. फ्रेंड्स बाय द टाइम वी आर पैकिंग अप द बैग, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइए कि आपका बच्चा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल में क्या लेके गया था. एंड इन अदर टाइम ऑल्सो आपके बच्चे को स्कूल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप लंच बॉक्स में क्या देते हैं और क्या अच्छा पड़ेगा बच्चों को देने के लिए ताकि उसको बच्चों को खाने में प्रॉब्लम भी ना हो, खाना गर्म बना रहे, सॉफ्ट रहे, खाने में ईजीनेस रहे. एंड वॉट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स दैट योर चाइल्ड हैज़ टू कैरी इन हिज और हर स्कूल बैग. और इसी के साथ स्कूल का बैग रेडी हो चुका है. यस एंड शी इज हैप्पी एंड यस शी इज पुटिंग हर थम्स अप, वेरी नाइस. और अब फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जब फाइनली शी इज गोइंग टू स्कूल. थोड़ा इमोशनल है कि बच्चा काफ़ी टाइम बाद ऐसे छोड़ के जा रहा है, बट सी लुक एट द क्रेज शी हैज, शी इज़ बिडिंग अ बाय टू एवरीवन, शी इज़ हैप्पी, कॉलिंग सब लोग मेरे साथ चलिए. बट यस शी इज़ रियली हैप्पी, शी हैज़ अ वेरी ग्रेट गुड क्रेज टू गो टू स्कूल एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी दैट शी इज़ स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ. एक नई लाइफ ही है गोइंग टू स्कूल, लर्निंग मैनी न्यू थिंग्स एंड मेकिंग अ न्यू गुड स्टार्ट फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ. अब हनविका कार में बैठ चुकी है एंड शी इज़ ऑल्सो बिट इमोशनल, उसके चेहरे से देख के नहीं लगता, बट शी इज़ और अभी जा रही है. एंड वाव शी हैज़ रीच्ड हर स्कूल, गेटिंग डाउन फ्रॉम कार. यस लेट्स सी हर रिएक्शन, हाउ शी फील्स. वो जाती है नहीं जाती है अपने से, लेट्स सी. ओ शी इज़ गोइंग मूविंग स्लोली स्लोली, न्यू प्लेस है इसलिए उसे थोड़ा सा लग रहा होगा, स्कूल है कैसे होंगे सब लोग, कैसे जाना होगा. बट स्टिल शी इज़ हैप्पी और शी इज़ मूविंग टूवर्ड्स हर क्लास, लुकिंग एट बैक, कॉलिंग प्लीज़ कम टू मी, मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी. बट येस शी हैज़ टू गो, शी विल क्राई बिट, बट स्टिल शी इज़ हैप्पी, शी इज़ गोइंग, शी इज़ वेटिंग, वेर इज़ हर क्लास, वेयर आर द टीचर्स, एंड हर टीचर्स आर हेयर, दे आर कॉलिंग हर इन साइड, बट शी इज़ नॉट विलिंग टू गो राइट नाउ, शी वाज सेइंग दैट मेरे साथ चलो, साथ चलो समवन. फर्स्ट डे है तो बच्चा विल ऑब्वियसली फील अनकम्फर्टेबल, टीचर ने उठा लिया एंड शी इज क्राइंग, नो मुझे अपने से ही क्लासरूम में जाना है. थोड़ा रोने के बाद नाउ शी इज़ कम्फर्टेबल, लुक थोड़ा नोजी आ गया, शी इज़ जस्ट वाइपिंग हर नोज एंड ट्राइंग टू एडजस्ट हर सेल्फ इन द क्लास रूम. शी इज़ लुकिंग एट मी एंड वेन शी हैज स्टार्टेड डूइंग हर वर्क, थोड़ा अपना एडजस्ट करने की कोशिश कर ही रही थी कि मैं वहाँ से अब निकल चुकी हूँ. एंड एट द एंड आई एम शोइंग यू दैट छुट्टी हो चुकी है फाइनली एंड आई एम कॉलिंग हर, लुकिंग एट मी, सी द एक्सप्रेशन, ओ थोड़ी शर्म थोड़ी सी खुशी
एंड शी इज़ आउट ऑफ द स्कूल, घर भी पहुँच चुके हैं। शी वॉज वेटिंग फॉर मी, खुशी बयान कर रही है कि आई वॉज सो हैप्पी एट द स्कूल एंड आई हैव एन्जॉयड अ लॉट। तो फ्रेंड्स, ये थी आज एक जर्नी एक बच्चे की, एक फर्स्ट डे ऑफ स्कूल की, कि वो कैसा फील करता है और उसको हम लोगों को कैसे रेडी करना चाहिए, उसका टिफ़िन बॉक्स, स्कूल बैग एंड ऑब्वियसली अपने बच्चे को भी, ताकि वो स्कूल जाके अनकंफर्टेबल फील ना करे, सबके साथ मिक्सअप कर सके और उसका फर्स्ट डे ही बहुत अच्छा जाए, ताकि वो नेक्स्ट डे से उसका कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड शी और ही मस्ट बी विलिंग टू गो एवरी डे विदाउट एनी हेजिटेशन एंड लर्न अ लॉट 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 फॉर द सक्सेस ऑफ हर लाइफ। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द जर्नी ऑफ अ 3 year चाइल्ड, from getting ready, going to school and then coming back home. So I hope you all have enjoyed it. Hey friends, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। क्या आपने इससे कुछ सीखा एंड एंजॉय किया? तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, so that you may not miss any of your favorite videos. Friends, आप हमारे साथ हर एक वीडियो पे इसी तरह से जुड़े रहिए and thank you so much for watching. मिलते हैं next video पे. Till then, bye bye, take care, stay safe and love you all.